राष्ट्र स्तरीय होली महोत्सव सुजान पर आगामी 26 मार्च से 29 मार्च तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष मेले की विषय वस्तु स्वर्णिम हिमाचल पर आधारित होगी। इस आशय की जानकारी मेला आयोजन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने दी। उन्होंने कहा कि मेले के शुभारंभ पर 26 मार्च को बेनी प्रसाद द्वार से मुरली मनोहर मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत मुख्य अतिथि मेला मैदान में पहुंचकर प्रदर्शनियों का अवलोकन करेंगे व शाम को सांस्कृतिक संध्या में हिस्सा लेंगे। 28 मार्च को परंपरागत रंगों वाली होली खेली जाएगी और हवन पूजन का आयोजन भी किया जाएगा। कोविड-19 की सावधानियों के चलते इस बार सादगीपूर्ण ढंग से होली मनाई जाएगी और यथासंभव निश्चित दूरी सहित अन्य दिशा निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित की जाएगी। समापन अवसर पर 29 मार्च को पुणे जलेब निकाली जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि हमीरपुर जिला में वर्ष का यह पहला बड़ा एवं महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है और पूरा मेला एवं गतिविधियां स्वर्णिम हिमाचल थीम पर ही आधारित रखने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सभी विभागों से आग्रह किया कि वे अपनी प्रदर्शनियों में हिमाचल प्रदेश व जिला के विकास को केंद्रित कर सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों को जनता के मध्य तक ले जाएं। स्थानीय उद्यमियों एवं नवाचार से जुड़े लोगों को भी मेले में आमंत्रित कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित बनाएं। महोत्सव के दौरान बेबी शो, डॉग शो, रंगोली, खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आकर्षण का केंद्र होंगी। होली महोत्सव की परंपरा को दर्शाती झांकी भाषा कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से तैयार करने के निर्देश उन्होंने दिए। इस अवसर पर स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाएगा। देवश्वेता बनिक ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत मेला मैदान में झूलों की समय सीमा एवं दुकानों की संख्या सीमित करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेला मैदान में पेयजल, शौचालय एवं साफ सफाई के उचित प्रबंध हेतु स्थानीय प्रशासन एवं नगर परिषद समय रहते सभी तैयारियां पूर्ण कर ले। मोबाइल शौचालय भी यथासंभव किए जाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे और लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने के लिए नियंत्रण कक्ष में ध्वनि प्रसार सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में मुख्य द्वार एवं मैदान की सजावट, आयोजन के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने, खानपान एवं परिवहन की व्यवस्था, अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन, अधिकारी जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांचा, सहायक आयुक्त राजकृष्ण, उपमंडलाधिकारी सुजानपुर शिल्पी बिकटा सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। इस बार हमारे सुजानपुर होली महोत्सव जो है वो हर साल मनाया जाता है। पिछले वर्ष जो है कोविड-19 की महामारी के कारण ये इसको बीच में ही रोकना पड़ा था और मेला नहीं हो पाया था। इस बार हमने फैसला लिया है कि सारे गाइडलाइंस को जहाँ जिस हद तक पॉसिबल हो उसको फुलफिल करते हुए, थोड़ी भीड़ को नियंत्रित रूप में रखते हुए और होली के जो होली खेलने की प्रथा को भी जहाँ तक पॉसिबल हो उसको नियंत्रित करके मिनिमम कॉन्टैक्ट में और रस्मों को बेसिकली और परंपरागत जो पूजा वगैरह है उसको करवाते हुए जो है इस बार होली मेले का आयोजन सुजानपुर में 26 मार्च से 29 मार्च तक किया जाएगा। जो मेन कार्यक्रम है 4 दिन का जो महोत्सव होता है उसके अतिरिक्त तो आगे के हफ्तों में जो है वहाँ पे मेला रहेगा, पर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉल्स थोड़े कम किए जाएंगे ताकि लोगों की भीड़ में नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कहीं भी अनहाइजीनिक कंडीशन जो है वो ना रहे और स्क्रीनिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का भी भरपूर बंदोबस्त किया जाएगा ताकि हम जहां तक मुमकिन हो कोविड-19 के दिशा निर्देशों को पालन कर सकें। इसी के साथ साथ इस बार के होली मेले का काफ़ी अरसे बाद इस तरह का मेला हमारे जिले में होगा क्योंकि कोविड-19 के कारण काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी, तो इस बार स्वर्णिम हिमाचल की थीम पे जो है पूरे मेले का आयोजन किया जाएगा और उसके लिए विशेष वहाँ पे जो है झांकियाँ और इसके साथ साथ डेकोरेशंस और अलग अलग गतिविधियाँ जो है स्वर्णिम हिमाचल की थीम के आधारित जो है वो प्लान किए जा रहे हैं। तो उसी बारे में जो है आज मीटिंग की गई और अलग अलग उप समितियाँ और विभिन्न विभागों को और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके लिए हमने एक उप समिति का गठन किया है ताकि वो वहाँ के लोगों की रुचि के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है अच्छे से अच्छे स्तर का कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा सके।
इसमें इसके चलते हमें वहां पे भी हमने DPRO साहब को अलग से दिशा निर्देश दिए हैं स्टेज की रेगुलर सैनिटाइजेशन के लिए, क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंसेज होंगी उसके लिए अलग सा एक प्रोटोकॉल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरह से वो बनाने के लिए, और साथ ही सीटिंग में भी जहाँ तक पॉसिबल है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके सीटिंग की डेंसिटी हम कम रखेंगे ताकि बहुत नज़दीक नज़दीक जो है वहाँ सीटिंग ना हो। तो इस तरह से हम इस मेले को जो है इस बार प्लान करेंगे।